जी टीवी के फेवरेट शो तुझसे है राब्ता में मनाई गई इफ्तारी, जहां आपके चहेते रीम शेख और सहबान अजीम ने मनाई अपनी इफ्तारी। तो चलिए जानते हैं आपके कल्याणी और मल्हार से कि क्या कुछ खास होगा इस रोजे में और क्या प्लान्स है इनके ईद के लिए। क्या क्या है आज? आई थिंक डाइट बकवास जा रही है मेरी, मैं बहुत खा रही हूँ शाम को। तो आई थिंक वी हैव चिकन कबाब्स एंड फ्रूट्स। आई थिंक फ्रूट्स बेस्ट होते हैं शाम के वक्त। फ्रूट्स अच्छा कुछ होता नहीं है, हमेशा फ्रूट्स ही खाने चाहिए एक्चुअली। ऑयली कम खाना चाहिए। यस। और वाटरमेलन है, चने हैं, बनानास है, मेन खजूर है जिससे रोज़ा तोड़ा जाता है, खोला जाता है। फ्राइड, मैं तो खजूर का वेट करता हूँ। और अब मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्राइड खाने लगी हूँ शाम के वक्त। यूजली मैं कभी नहीं खाती थी फ्राइड आफ्टर 7:38, पर अब तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है मेरा फ्राइड। हाँ, आई कांट कंट्रोल नाउ। थोड़ा थोड़ा खा लो, सब खा लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा लो तो कंट्रोल हो जाता है। थोड़ा सा ऑयली भी खा लो तो चल जाता है, लेकिन अगर आप लेस क्वान्टिटी में खा रहे हैं तो ठीक है। आई थिंक हम हेल्दी ही खा रहे हैं, ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हैं। द आइडिया इज नॉट टू ओवर ईट। या बट यू नो, कोई ऐसी बंदी जो 7 बजे के बाद फ्राइड ना खाती हो, फिर 8 बजे के बाद खाना ही ना खाती हो, उसके लिए तो ये बड़ा ही खराब हुआ ना। उसको तो प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रॉब्लम है। नहीं, बट रमज़ान के महीने में चलता है यार। आई थिंक मोस्ट पॉजिटिव मंथ एंड यू नो पीपल जस्ट सब एक साथ मिलके खाते हैं, मस्ती मजाक होता है। आई थिंक आई फील मोर हेल्दी ड्यूरिंग रमजान। या क्योंकि फ्रूट्स जो मैं वैसे कभी नहीं खाता हूँ, रमजानों के महीने में मैं एक्चुअली रमजान के महीने में इस बहाने फ्रूट्स खा लेता हूँ, हेल्दी खा लेता हूँ थोड़ा, और बेकार का जंक फूड नहीं खाता हूँ। तो आई फील मोर हेल्दी ड्यूरिंग रमजान। हाँ, अब तो यूज टू हो गए। शुरू के 3-4 दिन मुश्किल लगते हैं, फिर बाद में आदत पड़ जाती है। मैंने सारे नहीं रखे, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सारे रोज़े नहीं रखे हैं, बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट समहाउ फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। बट ही इज़ डूइंग इट, हैट्स ऑफ टू हिम, द होल यूनिट इज़ डूइंग इट, सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। चल रहा है, थोड़ा बहुत हो जाएगा। इफ्तारी नहीं, मुझे पता है जब मैंने ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा था, मैंने गलती से च्युइंगम खा ली थी। सो येस, इट्स गोना बी वेरी मेमोरेबल फॉर मी। मैंने जब पहली बार गलती मतलब रोज़ा रखा था, तो मुझे मैंने जोश जोश में बड़े भाई के साथ रोज़ा खुशाई हो गई थी मेरी कि मुझे भी रखना है, तो मैंने रख लिया था। बाहर खेल रहा था, खेल के बाहर आया और भूल गया मेरा रोज़ा है, पानी उठाया, पानी पी लिया, और फिर मैं रोने लगा। अपनी माँ के पास गया कि मैंने पानी पी लिया, तो मैंने कहा गलती से अगर अनजाने में अगर आप कुछ करें तो वो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। अगर तुमने जान के किया है, तुम्हें पता था कि तुम पानी पी रहे हो और तुम्हें पता था तुम्हारा रोज़ा है, तो बहुत गुनाह मिलेगा। अगर तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा रोज़ा है और तुम भूले से पी लिया है, तो कुछ नहीं होगा। ईदी, ओ गॉड, आई रिमेम्बर, मैंने बहुत पैसे कमाए यार ईदी पे, बहुत बहुत पैसे मिलते थे। एंड मेरे कुछ पैसे जाते भी थे, बिकॉज कजिन्स में मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, तो हाँ। मेरे तो जितने आते हैं उतने चले जाते हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, मतलब बड़े भाई भी हैं फिर छोटे भाई भी हैं, तो आते भी हैं और फिर चले भी जाते हैं। खुद को ना यार, आई थिंक मैं अपने से छोटों को ही दूंगी। हाँ। मुझे भी कुछ जरूरत है तो नहीं है। हाँ। ऊपर वाला सब दे रहा है खुद, बस शो की टीआरपी दे दो अल्लाह मियां। हाँ, अगर ईदी देनी है तो बस और अच्छी वाली। हाँ, like इंशाल्लाह। देखिए, बहुत ही पायस महीना है, अच्छे से रमजान गुजारिए, किसी को बुरा भला मत कहिए, किसी से लड़ाई मत करिए, किसी से बैर मत करिए, प्यार करिए सबकी तरफ, और जिससे ये सब हो भी चुका है उससे भी दोस्ती कर लो। हाँ, जिनसे आपकी लड़ाई हो भी है उनसे जाके हो गई है उनसे जाके दोस्ती कर लीजिए। दैट्स हाउ द आइडिया इज। ईद के जो मिलन होता है, जो गले मिलने का वो होता है रिवाज होता है 3 बार, वो दुश्मनों से मिल लिया जाता है, तो इस बहाने दोस्त वापस बन जाते हैं वो लोग। तो आई थिंक जो भी आपके दुश्मन हैं उनसे जाके वापस गले मिलिए और दोस्ती करिए। थैंक यू। Thank you.